आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नेम द डिफरेंट लेयर्स दैट मेक द यूटेरस थिक एंड स्ट्रॉन्ग। पूछा गया कि यूटेरस के कितने लेयर्स होते हैं जो कि उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और थिक बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या लेयर्स यहाँ पाए जाते हैं। तो फर्स्ट जो लेयर पाया जाता है उसको हम लोग एंडोमेट्रियम लेयर के नाम से जानते हैं। और एंडोमेट्रियम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है कि ये एक ट्यूब्यूलर लेयर होता है जो कि एकदम से इनर साइड पाए जाते हैं, और जहाँ पे क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो टेक प्लेस करता है। और जब मेंसेस होता है यानी मेंस्ट्रुएशन होता है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ही होता है जो कि शेड ऑफ करता है। वही नेक्स्ट पार्ट जो कि पाया जाता है इन द यूटेरस, वो पार्ट होता है यहाँ पे मायोमेट्रियम का। और मायोमेट्रियम का अगर बात किया जाए तो ये एकदम सेंटर लेयर होता है जो कि स्मूथ और मस्कुलर लेयर होता है। और ये क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा थिक वॉल्स से बना हुआ रहता है। और ये थिक वॉल से जो बना हुआ रहता है इसमें मेनली ब्लड वेसल्स जो हैं वो सराउंडेड रहते हैं। वही नेक्स्ट पार्ट का अगर बात किया जाए जो कि थर्ड पार्ट होता है, उसको बोला जाता है पेरीमेट्रियम लाइनिंग। और पेरीमेट्रियम लाइनिंग जो होता है ये बेसिकली एपिथेलियल सेल्स से बना हुआ रहता है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं। और ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं जो यूटेरस पूरा होता है। तो यही हो जाता है तीन टाइप के लेयर्स जो कि यूटेरस को स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव दोनों फॉर्म करता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।